हेलो एवरीबॉडी, हरियाणा में नई भर्ती निकली है। महिला और पुरुष कोई भी फार्म भर सकता है। यदि आप इंटरेस्ट हैं देखने में कि किस प्रकार के जॉब है, कैसे फार्म भरोगे और क्या योग्यता है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप इंटरेस्ट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म हैं। यूरेशिया एजुकेशन लिंक, जिसने बनाया है हजारों को डॉक्टर और इंजीनियर। यूरेशिया एजुकेशन लिंक ये ऑफिशियल पार्टनर है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, और ये यूनिवर्सिटी WHO यूनेस्को से अप्रूव्ड है। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अभी डॉक्टर सचिन नेहरा से कॉन्टैक्ट करें 96 710 410 98 131 790। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भर्ती के बारे में कि किस प्रकार की भर्ती है और कैसे आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में ये वैकेंसी निकली है, ठीक है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, दैट इज JEE सिविल की वैकेंसी है, JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, PN की वैकेंसी है, ठीक है। शो एज टू रीच इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार IGU मीरपुर रेवाड़ी लेटेस्ट बाय 31/7/2019। 31/7/2019 लास्ट डेट है। फार्म आपके ऑफलाइन हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है, तो आपके ऑफलाइन फॉर्म हैं और आपको इस पते पर पहुँचाने हैं। ऑफिस यहाँ से शुरू हो जाना है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रोड मीरपुर रेवाड़ी 31/7/2019 तक, ठीक है। फॉर क्वालिफिकेशन, पे स्केल, प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड अदर रिलेवेंट कंडीशन डिटेल एटसेट्रा, प्लीज विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको यहाँ पे विजिट करनी है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर की यदि बात करें तो 1/2019 है, ठीक है, और JEE सिविल की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा पे स्केल है। JEE इलेक्ट्रिकल की यदि बात करें, एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, और सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है, और पे स्केल आपके सामने है। स्टेनोटाइपिस्ट की 5 वैकेंसी है दोस्तों, जनरल की 3 है, EWS की 1 है, ST की 1 है, और पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में है क्लर्क, यहाँ पे देखिए इसमें 9 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2, BCA की 1, ST की 3, EWS की 1, जनरल की 1, BCB की 1, पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की है दोस्तों 13 वैकेंसी है, और पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी की वाइज यहाँ पे आपके सामने लिखा गया, जनरल की 6, BCA की 2, BCB की 1, ST की 2, EWS की 1 और जनरल की 1, ठीक है। PN की बात करें तो 11 वैकेंसी है, जनरल की 4, BCA की 1, BCB की 1, ST की 2, EWS की 1, जनरल ESM की 1, जनरल ESP की 1, पे स्केल आपके सामने है, ठीक है, ये आपका पे स्केल था। तो दोस्तों, अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, JEE की है, सिविल की, BE BTech होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, 60% नंबर होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, 60% नंबर हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद में JEE इलेक्ट्रिकल की सेम कंडीशन है, केवल सिविल इंजीनियरिंग की जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की क्या है, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, 50% में ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर के पद पे, ठीक है, और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद में स्टेनोटाइपिस्ट,
यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी 50% नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। स्टेनोग्राफर का इंग्लिश का एक्सपीरियंस होना चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट में, ठीक है। और उसके बाद में क्लर्क ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% नंबर के साथ में। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एज वेल एज द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट स्पीड, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा और आपका रिटन टेस्ट भी होगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तो ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट क्या है दोस्तों, बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है, साइंस से डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 50% नंबर के साथ में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएन की बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है पीएन के लिए। आगे और देख लेते हैं, एज की यदि बात की जाए तो 18 से 50 साल एज मांगी गई है दोस्तों, ठीक है। क्लोजिंग डेट की आपको काउंट की जाए, क्लोजिंग डेट में कि आपकी एज कितनी है। एससी कैटेगरी को छूट है 3 साल की, बैकवर्ड क्लास को भी छूट है दोस्तों, नहीं, एससी को 5 साल की छूट है और बैकवर्ड क्लास को 3 साल की छूट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट, आप इन पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वैकेंसी कितनी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपको एड्रेस कहाँ पे पहुँचाना है इसमें लिखा हुआ है, पीए ये रहा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको पहुँचाना है, यहाँ तक आपका एड्रेस रहेगा दोस्तों, 31 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो हरियाणा में अभी निकली हुई है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। और कोई अपडेट आएगी इस भर्ती के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते जाएंगे समय समय पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।